हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुपद के भाग के बारे में जानेंगे। कोई भी बहुपद हो, अगर किसी बहुपद से किसी बहुपद में भाग दिया जाए तो उसके लिए कुछ रूल हैं। आइए आज हम लोग बहुपद के भाग के बारे में जानते हैं अच्छे तरह से। तो हमने यहाँ पर एक भागा लिए हैं, जैसे x प्लस 3 से भाग देना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 को। तो भाग के पहला नियम है कि सबसे पहले जिससे भाग देते हैं और जिसमें भाग देना है दोनों को घटते क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले घटते क्रम में सजाना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो यहाँ सब देख रहे हैं कि यहाँ जो चर का पावर है वो घटते क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर कितना है, 0 है। तो यह जो बहुपद है यहाँ पर वेरिएबल यानी चर के पावर जो है वह घटते क्रम में लिखा हुआ है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका भी क्या है, उसका भी वेरिएबल के पावर यानी चर के पावर घटते क्रम में है, क्योंकि यहाँ भी x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ x का पावर कितना है, 0 है। तो ये भी घटते क्रम में है, यानी पहला नियम लागू हो रहा है। सबसे पहले यही देखना है कि बहुपद में चर का जो पावर है वह घटते क्रम में है या नहीं। यदि नहीं है तो पहले घटते क्रम में लाना है, उसके बाद डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ घटते क्रम में है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब आइए भाग देते हैं। तो पहला नियम जान गए कि सबसे पहले घटते क्रम में सजाना है। दूसरी बात है कि जिसमें भागा दे रहे हैं उसका पहला पद लेना है। पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, और जिससे भागा दे रहे हैं उसका पहला पद लेना है। उसका पहला पद कितना है, x। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आपका आधार यानी ये बेस हुआ, बेस सेम हो, ठीक है, और ये जो घात है पावर यदि डिफरेंट हो और भागा में रहे तो क्या होता है, पावर आपका घट जाएगा। तो बेस वही x रहेगा, पावर आपका घट जाएगा 2-1। तो इस तरह से आपका कितना आता है, x, दो में से एक गया कितना है, या 1, यानी कितना हो गया आपका x, यानी x स्क्वायर को जब x से डिवाइड किए तो कितना आया, x आया। अब इस x से इस पूरे x प्लस 3 को गुना करना है, ठीक है, इधर x लिख देंगे, उसके बाद क्या करना है, इस x से x प्लस 3 यानी कि इस साइड में ये जो हुआ आपका भाजक हुआ, तो भाजक में जो भी रहे पूरे को गुना करना है, सभी पदों को गुना करना है x से। तो x से गुना कीजिए x प्लस 3 को, तो आप साइड में भी कर सकते हैं, जैसे x इंटू एक्स प्लस 3, तो x गुना x आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना x कितना हो गया, 3x। तो ये जो आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको लिखना है यहाँ पर, जहां एक्स स्क्वायर है इसके सामने में लिखना है एक्स स्क्वायर, और जहां x वाला पद है उसके सामने में लिखना है x वाला पद, तो प्लस 3x इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है, अब नीचे में साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह लगाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला साइन को देखते हैं। तो नीचे यहाँ क्या है आपका, प्लस है, तो इसके विपरीत चिन्ह लगाना है माइनस। यहाँ भी आपका प्लस है तो इसका विपरीत माइनस हो गया। अब जब घटाएंगे तो ऊपर और नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं, तो यहाँ ऊपर का आपका क्या है, प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। यहाँ भी क्या है, ऊपर पर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। तो जब भी घटाएंगे तो चिन्ह देखना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर दोनों एक जाति के हैं, समान पद है, तो इसमें घटाव होगा, तो ये एक में एक घट के क्या हो गया आपका, 0। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ नीचे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 में से 3 चला गया तो आपका कितना हो गया, 7x, और शेष कितना था, 30। फिर अब वही रूल दोहराना है कि इसका पहला पद लेना है और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लेना है। तो इसका पहला पद कितना है, 7x, बटे इसका पहला पद कितना है, x। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल, यानी आपका कितना है, 7, प्लस 7 है, तो यहाँ लिखना है प्लस 7, और इस प्लस 7 से
इस पूरे पद को यानी कि ये पूरे बहुपद को गुना करना है तो प्लस सेवन गुना प्लस एक्स, तो आपका कितना आ गया सेवन एक्स, फिर प्लस गुना प्लस ये प्लस हो गया सत्या इक्कीस। फिर वही बात कि यहाँ प्लस है तो इसके नीचे देना है माइनस साइन, यहाँ प्लस है तो इसके नीचे देना है माइनस साइन, और जब घटाएंगे तो ऊपर नीचे वाला साइन देखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस और नीचे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो सेवन एक्स में से सेवन एक्स घटेगा तो क्या बचा जीरो। अब फिर यहाँ देखिए प्लस है नीचे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो तीस में से इक्कीस गया आपका सेवन आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ जो सेवन है तो यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या होगा नाइन होगा, तीस में से जब इक्कीस जाएगा तो कितना बचेगा आपका नाइन बचा। तो अब यहाँ देखिए फिर वही रूल लगेगा कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स का जो पावर है यहाँ पर कितना है जीरो, और यहाँ जो एक्स का पावर है कितना है वन है, तो ये ज्यादा हो गया ना, तो अब यहाँ से आगे डिवाइड नहीं करना है। जब आपके भाजक ये क्या है आपका भाजक है, तो भाजक के चर के पावर से यदि शेषफल के चर का पावर कम हो जाए तो भाग को वहीं पर रोक देना है, उससे आगे डिवाइड नहीं होगा। यहाँ आपका क्या है चर का पावर वन है और यहाँ चर का पावर कितना है शून्य, तो यानी कि एक से छोटा है, तो यानी अब भाग नहीं करना है, यही आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका शेष, ये आपका क्या भागफल, ये हो गया आपका भाजक और ये है भाज्य, तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है आइए दूसरा सवाल लेकर देखते हैं।